आम आदमी पार्टी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का जो बयान आया गुड़िया प्रकरण में, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी से इस प्रकरण के ऊपर दिए गए बयान के चलते एक मांग करती है कि प्रतिभा सिंह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कांग्रेस को कि जिस तरीके की इन्होंने एक छोटी सी घटना कहकर संबोधन दिया गुड़िया के, जो जिस तरीके से उसकी हत्या हुई, जिस तरीके से उसका बलात्कार हुआ, और प्रतिभा सिंह जी ये बोलती है कि ये छोटी सी घटना थी। दूसरी ओर भाजपा इसके ऊपर राजनीति कर रही है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो ये दोनों पार्टियां एक ही थैले की चट्टे बट्टे हैं। भाजपा गुड़िया प्रकरण के ऊपर एक बड़ा सिस्टम, एक न्याय दिलाने की बात कर रही थी और सत्ता में ये पार्टी आई, इसने क्या इंसाफ दिया? तो मेरा प्रश्न है, और प्रतिभा सिंह जी को इस्तीफा देना चाहिए इस चीज को लेकर कि वो छोटी सी घटना। मैं ना केवल आपने हिमाचल प्रदेश की नारी समाज के ऊपर एक उंगली उठाई है, उनके ऊपर जो उनकी संवेदनाएं हैं उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि आप कितनी हितैषी है हिमाचल प्रदेश की महिलाओं की, बल्कि हिमाचल का पुरुष समाज भी उस गुड़िया के साथ था, उस गुड़िया के साथ उसको, उसके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए था। जिस तरीके के लिए आपने ये इस इतनी बड़ी बात को, इतनी घिनौनी घटना को आप एक छोटे से और हल्के में बात लेके आप बयान दे रहे हैं, तो शर्मनाक है। इस चीज के लिए इतनी आपको मैं तो ये भी बोलूंगा कि प्रतिभा सिंह जी, आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप इस तरीके की बात कर रही है हिमाचल प्रदेश की नेता होने के नाते, जबकि एक नेता को तो संवेदनशील होना चाहिए पब्लिक के मुद्दों को लेके, पब्लिक की समस्याओं को लेके, पर हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई, दुर्घटना हुई, जिसको मैं बोलता हूँ बहुत ही शर्मनाक घटना हुई, जिसके लिए सरकार बदली, जिसके लिए भाजपा की सरकार बनी, पर वो गुड़िया के माँ बाप जिनको आज तक इंसाफ नहीं मिला,